वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के आंखों को भाकड़ा नागल बांध और आईआईटी आईएम का ख्वाब देने वाला आदमी अगर आपको पसंद नहीं है तो ये आपकी दिक्कत है भाई, हमारी दिक्कत नहीं है। आप हिंदुस्तान का इतना बड़ा मसीहा, आज के लोगों की तो क्या ताकत होगी, नेहरू के बारे में कुछ भी फैला लो आप यार, कुछ भी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अपना सिलेबस भेजते रहो। नेहरू जी का जन्मदिन था, सारे बड़े कवि आए हुए थे हिंदुस्तान के, बच्चन जी ने कवि गोष्ठी रखी थी, नागार्जुन आए हुए थे किसी संदर्भ में, नागार्जुन मिलने गए थे बच्चन जी से, तो इंदिरा जी उनको सुन चुकी थी शांति निकेतन में, इंदू कहते थे, तो इंदू जी बुलाने आई कवियों को कि भैया प्रोग्राम शुरू होने वाला, जैसे आपको हमको तबस्सुम जी कहने आई थी आइए, तो देखा बाबा नागार्जुन बैठे हैं, तो इंदू जी ने कहा कि बाबा आप भी चलिए, पापा की बर्थडे है आप कविता, तो नागार्जुन ने कहा, जवान नागार्जुन ने, कि इंदू तुम्हारे पिताजी हमारी कविता सुन नहीं पाएंगे। अब इंदिरा जी तो बहुत शालीन थी और स्वीकार करने वाली थी, इंदिरा जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चलिए सब स्वीकार करेंगे, आप चलिए, मेरा इसरार किया। बच्चन जी ने भी शर्मा शर्मी कहा कि चलिए चलिए, तो नागार्जुन गए और ताकत देखिए, हिंदुस्तान का इतना बड़ा मसीहा, आज के लोगों की तो क्या ताकत होगी, नेहरू के बारे में कुछ भी फैला लो आप यार, कुछ भी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अपना सिलेबस भेजते रहो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। हिंदुस्तान की आज़ादी के आंखों को भाकड़ा नागल बांध और आईआईटी आईएम का ख्वाब देने वाला आदमी अगर आपको पसंद नहीं है तो ये आपकी दिक्कत है भाई, हमारी दिक्कत नहीं है, आप ये आपकी दिक्कत है। रेखता वालों, क्या कहने वाले का कलेजा होगा और क्या सुनने वाले का जब्त होगा। वो आदमी जिसे नासिर टीटो दोनों सलाम करते थे, वो आदमी जिसे अमेरिका और रूस अपने खेमे में लेना चाहते थे, वो आदमी जो गांधी का दत्तक पुत्र माना जाता था, वो आदमी जिसे प्रोफेसर लास्की पार्क प्यार करते थे इकोनॉमिक्स के, लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स के, उस आदमी को सामने बिठाकर एक नौजवान शायर नागार्जुन ने कविता पढ़ी, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। और ये नेहरू ने सुनी, ज्यादा बड़ी ताकत यह है कि नेहरू ने सुनी, और उसके बाद नेहरू ने यह नहीं कहा कि इनको ईडी का समन भेज दो, इनके घर सीबीआई भेज दो, इनके घर पुलिस भेज दो, ये नहीं कहा नेहरू ने, कमाल है। नेक्स्ट, नेहरू के बाद नेहरू दिवंगत हुए, हिंदुस्तान आगे बढ़ा।